आज हम बनाने वाले हैं वारली पेंटिंग। पोस्टर कलर का यूज़ करने वाले हैं, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का यूज़ करके हम पेंटिंग में कलरिंग करने वाले हैं। ब्रश है पॉइंट के, डिश राउंडर लगेगा, साथ में थोड़ा पानी लगेगा कलर मिक्स करने के लिए। स्केल का यूज़ करना है। सबसे पहले पेज के सेंटर में हम एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर का लाइट ड्रॉ करना है। फिर उसके अंदर 5 सेंटीमीटर और एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। और ये हो जाने के बाद इसके अंदर 4 सेंटीमीटर का इस टाइप से हम 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वारली आर्ट हम डांसिंग पोजीशन का बनाने वाले हैं, डांसिंग फिगर। मेजरमेंट करके देख लिया बराबर है। अब यहाँ पर हम चारों ओर से एक ज़िगज़ैग बॉर्डर बनाएंगे। चारों ओर से ड्रॉ करना है और थोड़ा लाइट ही ड्रॉ करना है, इसके ऊपर हम कलरिंग करेंगे। ये हमारा ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हम वारली फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ट्रायंगल शेप जैसे ड्रॉ करना है। फिगर के लिए सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। उनके हाथ बनाने के लिए हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के रखा है। ऊपर में ऐसा जॉइंट करना है पूरा। ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर हम उनके फेस ड्रॉ करते हैं। तो एक लेडी एक जेंट्स ऐसा ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो लेडी रहेंगे उसका जूड़ा बनाएंगे, ये भी ड्रॉ हो गया। यहाँ पर हम उनके पैर बनाएंगे। दोनों पैर का डिस्टेंस सेम होना चाहिए और ऐसे ज़िगज़ैग करते हुए ड्रॉ करना है। तो पैर बना लेते और हाथ जो बनाने वाले हैं, हैंड जो बनाने वाले हैं, हम डायरेक्ट कलरिंग से करेंगे। तो इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बॉर्डर बना के रखी है, उस बॉर्डर में हम डिज़ाइन बनाते। डिज़ाइन हम हमारे मनपसंद भी ड्रॉ कर सकते। गाड़ा बजा रहा है, इस टाइप से हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल शेप ड्रॉ करना है, उसके हाथ में बजाने का और ऊपर एक हाथ है ऐसा। यहाँ पे उसका फेस ड्रॉ करते हैं। चारों कॉर्नर में हम 4 फिगर ड्रॉ करेंगे जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इस टाइप से बड़ी सी तुतारी ड्रॉ करना है। फिगर हम हमारे मनपसंद ड्रॉ कर सकते हैं। और भी हमें कुछ ड्रॉ करना है, हाउस ड्रॉ करना है, ट्री ड्रॉ करना है, प्लांट ड्रॉ करना है, तो भी हम वो सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा चारों कॉर्नर पे और डिज़ाइन रेडी हो गया। पोस्टर कलर लेना है, कलर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद डिश में निकालना है, 5-6 ड्रॉप पानी डालना है। कलर बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, इस टाइप से मिक्स करके देखना है। फिर पॉइंट वाले ब्रश 2 नंबर, 0 नंबर या 1 नंबर का यूज़ हम कर सकते हैं हमारे ड्राइंग फिगर के हिसाब से। इस ट्रायंगल शेप में पूरा अच्छे से कलरिंग करना है। यहाँ पर हम ब्लैक करना है तो ब्लैक कलर का भी सेम एज इट इज़ कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वारली आर्ट के लिए ब्राउन कलर लिया। ब्राउन पोस्टर कलर है, अच्छे से मिक्स कर लेने का है, फिर उसे अप्लाई करना है तो कलर अच्छे से लगता है। कहीं पतला कहीं गाढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा फ्रिक्वेंसी होना चाहिए कलर्स लगने की। यहाँ पे नेक और ये जूड़ा बनाते। तो एक जेंट्स ड्रॉ करना है, एक लेडी ड्रॉ करना है, ऐसे पूरे डांसिंग फिगर में हमें कलरिंग कर लेने का है। बहुत ब्रश को प्रेशर नहीं देना है, ब्रश किस टाइप से पकड़ के रखा है वो देखने का है और ध्यान से कलरिंग करना है। ऊपर से नीचे करते आएंगे कलरिंग इस टाइप से और ये पूरा सर्कल में पूरे फिगर को बना लेंगे। ब्रश पोछना है, पॉइंट से काम करना है, ब्रश के पॉइंट से काम करना होता है। ब्रश ड्राई हो जाए तो उसे गीला करना है, फिर पोछना है और फिर अप्लाई करना है। तो ये जो फिगर है इसमें भी इस टाइप से हम कलरिंग कर लेंगे। सारे फिगर में एक जैसा कलरिंग होना चाहिए, कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, इस टाइप से नहीं।
पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद भी हमें कुछ लगता है कि कुछ फिगर ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है, तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। चारों कॉर्नर में चार फिगर है, उनमें भी सेम एज इट इज़ कलरिंग करना है, वाद्य यंत्र बजा रहे ऐसा। ये हो गया है। अब हमने जो बॉर्डर बनाई थी उस बॉर्डर को आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन दोनों एक जैसी होना चाहिए चारों ओर से, और उसके बीच में दो दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, पास पास में, बहुत दूर दूर नहीं। वर्लिया ट्यूटोरियल है, स्टेप बाय स्टेप बताई गई, बड़ा ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं और इसे कोई भी ड्रॉ कर सकता है। जो नीचे के ट्रायंगल शेप है उसमें हम कलरिंग करते हैं। ये वाले जो ट्रायंगल शेप है, बाहर का पार्ट ब्लैंक रहने देंगे, अंदर में हम कलरिंग कर लेंगे। बड़े काम के लिए बड़े ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, 7-8 नंबर के ब्रश से। पूरा कलरिंग हो जाने के बाद इरेजर से हम क्लीन कर लेंगे, जहाँ जहाँ पेंसिल का रिमार्क रह गया था वो सारा हल्के हाथ से इरेज भी कर लेंगे। वार्ली आर्ट पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।